आज एमए के विद्यार्थियों का पेपर है, देख रहे ना, एमए सेमेस्टर सेकंड, रोल नंबर टोटल पेज 4, देख रहे ना, 1813, एमए सेमेस्टर सेकंड, नेप मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी एग्जामिनेशन 2024, हिंदी लिटरेचर पेपर 3, क्या है पेपर 3 में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, देख रहे ना आपसे ये पेपर जो है यूपी बोर्ड मतलब कहने का मतलब यूपी स्टेट का इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय के पेपर हैं, और इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय का पेपर है, जितने भी कॉलेज अफेक्टेड हैं इससे वहाँ पर यह पेपर आ रहा है, इसी वर्ष का पेपर है। जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, जो अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं जिनका पेपर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वह वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे और निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। सभी विश्वविद्यालयों के पेपर लगभग एक जैसे होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा, वीडियो को पूरा देखेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपको अगर शेयर करते हैं तो सभी सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, और बहुत से विषयों के बीए, बीए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, एमए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सभी सेमेस्टर के पेपर पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं, उन सबको जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, एक निर्देश दिया गया है, निर्देश हम नहीं पढ़ रहे हैं, खंड आ अति लघुत्तरी प्रश्न देखिए। इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 5 उप प्रश्न है, प्रत्येक उप प्रश्न 3 अंकों का है, इस खंड से 3 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 50 से 60 शब्द है, 3 × 3, आगे लिखा गया पीटीओ, प्लीज टर्न ओवर, पेपर पलट रहे हैं, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करना है, अधिक से शेयर करना है। पहला है संरचनावाद और विखंडनवाद के आधारभूत अंतर को दर्शाइए, अपने पाठ्यक्रम के आधार पर पाश्चात्य आलोचना के एक एक ग्रंथों का नाम लिखिए। तीसरा, प्लेटो के काव्य विषयक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालिए। पेरिसुप्स की काव्य संबंधी अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। कविता के संदर्भ में विरेचन का आशय स्पष्ट कीजिए। लघुत्तरी प्रश्न है, इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 7 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक उप प्रश्न 9 अंक का है, इस खंड से किन्हीं 4 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 250 शब्द है। त्रासदी और आनंद का अंतः संबंध निरूपित कीजिए। काव्य जीवन की अनुकृति है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। काव्य में बिंब विधान क्या है, भारतीय एवं पाश्चात्य नाटकों के मौलिक अंतर को दर्शाइए, तो देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन है, कविता में प्रतीकों का महत्व क्या है, स्पष्ट कीजिए। मार्क्सवाद के आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। प्लेटो एक आदर्शवादी विचारक पर संक्षेप में विचार कीजिए। खंड 7 दीर्घोत्तरी प्रश्न, इस खंड में केवल एक प्रश्न है जिसके 4 उप प्रश्न हैं, प्रत्येक उप प्रश्न 15 अंकों का है, इस खंड से किन्हीं 2 उप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक उप प्रश्न की शब्द सीमा 500 शब्द है, 15 × 2। अस्तित्ववाद की प्रमुख वैचारिकी पर एक निबंध लिखिए। प्रगतिवाद साहित्य और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का के आपसी संबंधों पर प्रकाश डालिए। नई समीक्षा में टीएस इलियट के योगदान को रेखांकित कीजिए। साहित्य और समाज के अंतः संबंधों की जांच करते हुए समाजशास्त्री प्रविधियों को निरूपित कीजिए, देख रहे हैं ना। अब आगे आपको बिल्कुल, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।